हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त रॉयल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, बहुत मेरे भाई पूछते हैं, क्योंकि मेरे सब भाइयों के अंदर हल्का हल्का डर रहता है, इस बात का डर रहता है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक कार्ड लगाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि उन्हें पुलिस तंग करेगी, कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर वो कहीं पर कार्ड लगाएंगे तो मार्केट वाले उनको परेशान करेंगे, जो ऑलरेडी दुकानें हैं बड़ी बड़ी, जो ऑलरेडी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो उनको परेशान करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम कार्ड लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि हमें नगर निगम वाले परेशान करें, हमारा कार्ड उठा कर ले जाएं, हमारा पैसा बर्बाद हो जाए। एंड और तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मन में आते रहते हैं एक कार्ड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास बजट कम है, बिजनेस करना है, एंड उसके दिमाग में आ चुका है कि कार्ड ही ओपन करना है, लेकिन हल्का सा डर रहे हैं वो कि यार कार्ड ओपन करने पे कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, कुछ दिक्कतें आए और हमारा बिजनेस बंद हो जाए। तो आज की वीडियो उन सभी भाइयों के लिए, आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए नहीं है जिनके पास बजट है, वो पैसा लगाकर बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, अपना कैफे या फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं। आज की वीडियो में उन सभी भाइयों से बात करने वाला हूं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बजट कम है, कार्ड लगाना चाहते हैं, बट मन में हल्का सा डर है कि कार्ड लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस देने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जब मैंने अपना पहला कार्ट रोड साइड के स्टैंड पर लगाया था तो क्या मैंने चीज़ें करी थी। एंड मैं आपको यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में ही बता दूँ, जब मैंने नगर निगम के ऑफिस में विजिट किया था तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि नगर निगम में अभी कोई पर्ची नहीं कट रही है कार्ड्स के लिए, रोड साइड रोड जो बेसिकली रोड के किनारे ठेले होते हैं उनके लिए कोई पर्ची अभी नहीं कट रही, क्योंकि जिस सिटी में मैं लगाने वाला था वहाँ पर जो लिमिट होती है वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए नगर निगम ने जो कार्ड्स होते हैं उनको परमिशन देना होल्ड कर रखा था। इस केस में मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नगर निगम से पर्ची नहीं मिलती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आप कार्ड लगाना चाहते हो और आपको जगह नहीं मिल रही है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे भाई का एक कमेंट आया कि भैया हम कार्ड लगाना चाहता हूं, पूरी बिजनेस की प्लानिंग मैंने कर ली है बट कार्ड के लिए सही जगह नहीं मिल रही है, और अगर हम सही जगह ढूंढते हैं तो हमें कैसी जगह को प्रेफर करना चाहिए, कैसी जगह हमें ढूंढनी चाहिए, रेंट कितना होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो आज की वीडियो में मेरे जितने भाई हैं जिनके पास बजट कम है, कार्ड ओपन करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कार्ड के लिए लोकेशन कैसे ढूंढें, नगर निगम में कैसे विजिट करें, वहाँ के ऑफिशियल से कैसे बात करें, कैसे परमिशन मिलेगी, इसके अलावा और कौन से लाइसेंस होते हैं, इन सारी बातों का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा और आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा जब आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि पहला कार्ड जब मैंने ओपन किया था तो मैंने किन किन स्टेप्स को कैसे फॉलो किया था। अगर आप एज इट इज भी उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप अपना आराम के साथ में कार्ड ओपन करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कार्ड में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे कार्ड ओनर को जानता हूं जो अच्छे अच्छे कैफेज से ज्यादा इनकम करते हैं। तो वीडियो में चलते हैं, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक कार्ड ओपन करना चाहते हैं और आपका डिसीजन फाइनल है, देखिए अगर आपका बजट कम है तो ऑब्वियसली आप कार्ड की तरफ ही जाइए क्योंकि इसमें आपका पैसा कम लगने वाला है। और मैंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी आज से कोई 8-10 साल पहले तो मेरे को एक कार्ड ओपन करना था, एंड मेरा डिसीजन सिंपल था, फाइनल था कि मुझे कार्ड ही ओपन करना है, क्योंकि मेरे पास बजट तो था, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास बजट था बट मुझे ये पता था कि मेरे को बिजनेस की शुरुआत छोटे से करनी है, तो मैंने फाइनल डिसीजन ये बनाया था कि मुझे कार्ड ओपन करना है। अब कार्ड ओपन जब आपको करना होता है तो आपको सबसे पहला काम करना होता है आपके मार्केट की रिसर्च करनी होती है। अब एक मेरे भाई का ये कमेंट आया था बहुत टाइम से, ये मैं मैक्सिमम कमेंट पढ़ता हूँ कि भैया कार्ड लगाना है लेकिन जगह नहीं मिल पा रही है। आप किसी भी लोकेशन में हैं, किसी भी सिटी में हैं, आपकी सिटी में कोई ना कोई ऐसा एरिया, ऐसी लोकेशन जरूर होगी जहां पर बहुत सारे कार्ड वाले अपने अपने कार्ड लगाते होंगे, और उस जगह में अगर आप विजिट करोगे तो आप देखोगे वहां पर कोई डोसे का कार्ड लगा होगा, कोई बर्गर्स का होगा, कोई नूडल्स का होगा, कोई इनफैक्ट पिज्जा वाले कार्ड भी आजकल लगे होते हैं। तो आप उस लोकेशन पे जाओ, उस मार्केट में पता करो, और अगर कोई ऐसा मार्केट ऐसा एरिया है तो वहां पर उन कार्ड वालों से बात करने की कोशिश करो, उनसे पूछो 2-3 बार, उनके पास जब विजिट करोगे आप, उनके पास कोई प्रोडक्ट खाओगे आप, तो खड़े खड़े उनसे बात करो, भैया ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये जिस प्लॉट पे आप इसको कार्ड को लगाते हैं ये किसका है, ये नगर निगम के अंडर में आता है या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है। देखिए जब आप कहीं पर कार्ड लगाते हैं किसी भी मार्केट में तो वो 2 जगहों पे लगता है, बेसिकली 3 जगहों में आप कार्ड लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो कि नगर निगम के अंडर में आता है, आपको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आप कहीं भी कार्ड लगा सकते हैं अपनी सिटी में। आपको पुलिस तंग कर सकती है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपका मतलब देखो यार किसी से भी आप गलत तरीके से बात करोगे, एरोगेंट दिखाओगे तो कोई भी आपको परेशान करेगा, वो पुलिस की बात ही नहीं है।
पुलिस आपको परेशान सिर्फ इसलिए कर सकती है अगर आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट करता है आसपास के एरिया वाले के, ये कार्ट वाले के पास बदतमीजी होती है, लोग दारू पीने आते हैं यहां पर, या कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सो उस केस में पुलिस आपको कह सकती है भैया यहां से कंप्लेंट आ रही है आपके कार्ट के लिए, आप कार्ट को थोड़ा सा आगे कर लो या कार्ट को आप इस जगह से हटा के कहीं और लगा लो, ये हो सकता है। बट अगर आपके पास परमिशन है नगर निगम की तो वो आपको उठाकर नहीं ले जाता, आपको जेल में नहीं डालेगा कोई। तो इस डर को बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि अगर आप कहीं पर अपना एक छोटा सा कार्ड लगा रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो तो लोग आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो और आप किसी मार्केट में कोशिश करते हो मेहनत करने की, बिजनेस करने की, पैसा कमाने की, तो 10 में से 7 से 8 लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। 2-3 लोग हर जगह होते हैं तो उनसे परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिवली मतलब एक्सेप्ट करते हैं। आप कहीं पर बिजनेस करने जाते हैं, आप कार्ड लगाते हैं तो आसपास के कार्ड वाले या शॉप वाले कुछ होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, भाई कहाँ से हो, कब से ये धंधा शुरू किया है और कैसे करना, क्या क्या यहाँ पर सेल करने वाले हो, काफी बातें आपसे करेंगे। लेकिन 2-3 जरूर होंगे वहां पर जो आपसे चिड़ेंगे, आपसे जलेंगे, आपका बिजनेस बंद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तो अच्छा ही है तो बुराई भी है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको बुरे लोग आप पे हावी होने लगेंगे, आपको परेशान ज्यादा करने लगेंगे, तो अच्छे लोग आपका सपोर्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर 2-3 जगह होती हैं जहां पर आप कार्ड लगा सकते हो, सबसे पहली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी कि नगर निगम के जो अंडर में आती है, उसके लिए आपको नगर निगम से पर्ची लेनी पड़ती है, परमिशन स्लिप लेनी पड़ती है। वो बेसिकली हर सिटी का अलग अलग होता है। किसी नगर निगम के ऑफिस में जब आप जाकर विजिट करेंगे तो वहां पर वो आपको बता देंगे कि 300 रुपीज देने होते हैं आपको पर मंथ, और कहीं कहीं पर ये 600-700 हजार रुपए, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप इसको देख लो, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके ये परमिशन स्लिप ले सकते हो। अगर वो नहीं कट रही है तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर नगर निगम ने होल्ड पे कर रखा है तो क्या ऑप्शन है? तो क्या ये आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको कार्ड नहीं लगाना चाहिए? नहीं। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, बहुत लोगों की मार्केट में प्लॉट होता है, मतलब मेन मार्केट में बहुत फुटफॉल वाला एरिया है, बाजार है मेन, और वहां पर किसी का छोटा सा प्लॉट है 50 गज का 100 गज का, और वहां पर 1-2 कार्ड वाले वहां पर अपना कार्ड लगाते हैं। सो आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर का पता लगा सकते हैं और उसके घर जाकर उससे बात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि कितना रेंट आपको हम पे करें, और उसके बाद आप उसके प्लॉट पर अपना कार्ड लगा सकते हैं। फिर आपको ना पुलिस वाला परेशान करेगा, ना ही आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स परेशान करेंगे, कोई बेसिकली आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे कार्ड को लगा रहे हैं तो, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर के पास है और उसने आपको परमिशन दी है वहां पर लगाने के लिए। सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉपर्टी के ऑनर से बात कर उस चीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जगह होती है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, कोई प्लॉट नहीं मिल रहा है आपके मेन बाजार में जहां पर भीड़ आती है, तो वहां पर दुकानें होंगी, तो आप क्या करो, अगर आपका साउथ इंडियन फूड आप बेचना चाहते हो तो आप किसी ऐसी बेकरी के बाहर या ऐसी किसी जो मिनियारी की शॉप होती है या कोई और किसी भी तरीके की ऐसी शॉप जहां पर वो कोई और प्रोडक्ट बेचते हैं आपसे, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वहां पर उनसे जाकर बात करो कि सर मैं आपकी शॉप के पास जो बाहर है वो पार्किंग एरिया काफी अच्छा है, वहां पर मैं अपना छोटा सा 2x2 या 4x4 का काउंटर लगाना चाहता हूं, कार्ट लगाना चाहता हूं, अगर आप मुझे परमिशन दीजिए तो आप बस मेरे को एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे दीजिए छोटा सा, उसके लिए मैं अपना सब मीटर लगा लूंगा और जितना भी मंथ एंड में वो सब मीटर में जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल पे कर दूंगा, और आप जो मंथली मुझसे रेंट लेना चाहते हैं वो रेंट भी आप मेरे से ले लो। हर एक चीज बिल्कुल क्लियर बात करो जो भी शॉप का ऑनर है, और आपको मैक्सिमम अगर आप 10 शॉप में जाते हो तो उसमें से 7 लोग आपको बोलेंगे आप हमारे यहां लगा सकते हो। रीजन इसके पीछे ये होता है कि उनको अपनी शॉप के बाहर एक तो फुटफॉल बढ़ेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनको अपनी दुकान में बैठे उनको कुछ और करना नहीं पड़ेगा, उनको एक फिक्स्ड इनकम आने लग जाएगी एक रेंट के तौर पे। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको अगर कन्विंस सही से करोगे तो आपको दुकान वाले बोल देंगे ठीक है मेरे यहां पर बाहर एरिया है, स्पेस है, आप अपना काउंटर लगाइए और सेल करना शुरू करिए प्रोडक्ट्स को, तो आप वहां पर भी कर सकते हो। तो तीनों में से आप देखो कि आपके मार्केट में कौन सी सही जगह है जो जहां पर आप लगा सकते हो अपना कार्ड। सो इस चीज का आपको डेफिनेटली आंसर मिल गया होगा कि अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही तो आपको क्या करना है। सबसे पहला और सबसे सस्ता जो मेथड था, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर आपको पर्ची लेनी है, वो सस्ता तो पड़ता है लेकिन वहां पर हेडेक रहती है यार, मतलब आप अपने कार्ड को छोड़कर नहीं जा सकते हो, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे सारे सामान को तैयार करना पड़ेगा, फिर कार्ट में जाना पड़ेगा, फिर कार्ट में हर चीज को लगाना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और अगर कोई आपकी कंप्लेंट करता है तो आपको वहां से हटाना भी पड़ सकता है। बट अगर आप सेकंड मेथड को फॉलो करते हैं, आपको वहां पर रेंट तो ज्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है कहीं कहीं पर एक छोटे से कार्ड को लगाने के लिए 8,000 रुपए भी देने पड़ते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे एक छोटे से स्टॉल को लगाने के लिए मुझे 8,000 रुपए का रेंट पे करना पड़ता था, बिजली का अलग होता था जो कि 2300-2400 इस तरीके से आता था, 2500 इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का
बिल आता था जो कि सब मीटर के आधार पे मैं कैलकुलेट करके उनको देता था। तो पहला काम आप करो कि आपको अपनी सिटी में मार्केट को रिसर्च करना है, आपको जाना है, देखना है कि आपकी सिटी में कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर अच्छा फुटफॉल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस लोकेशन में मुझे अपना कार्ड लगाना था वहां पर एक प्लॉट था एक मैडम का, और वहां पर काफी लोग कार्ड लगाते थे, और मैम का ये रूल था जो ऑनर थी वहां की कि सेम प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर सकता है। एंड हर ऑनर से आप ये बात कर लो, अगर किसी के प्लॉट में आप लगा रहे हो तो उनसे बात कर लो, भैया मैं आपके प्लॉट में लगा रहा हूं, अपना ये मेरा साउथ इंडियन फूड का काम है, लेकिन आप किसी और साउथ इंडियन जो काम करता है उसको यहां पर नहीं लाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा धंधा नहीं चलेगा। ये बात पहले कर लो ऑनर के साथ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने उन मैडम से जब बात करी थी तो वहां पर जो रेंट था वो 8,000 रुपए था, उससे थोड़ी सी दूर जाकर एक लोकेशन और थी जहां पर 6,000 रुपए रेंट पे मुझे कार्ड लगाने की परमिशन मिल रही थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर कस्टमर का फुटफॉल बहुत बेकार था, वहां पर कम लोग आते थे, और यहीं पर अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं अपने 2,000 रुपए रेंट बचाने के चक्कर में, अगर मैं 6,000 वाली जगह पे खोल लेता तो मेरा कार्ड शायद इतना नहीं चलता। इनफैक्ट मैं अपने काफी सब्सक्राइबर को काफी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि मेरी पर डे की जो सेल थी एक कार्ड से वो 10,000 से 12,000 के आसपास थी, कभी 10,000 कभी 12,000। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, महीने का आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती थी, सिर्फ 3 घंटे में लगाता था, 7 से 9, 9:30, 10 बजे तक। तो 7 से 10 में मैं 10,000 12,000 की सेलिंग सेल आराम से होती थी। वो सिर्फ इसलिए होती थी जिस लोकेशन को मैंने चूज किया, मैंने वहां पर रेंट नहीं देखा, मैंने देखा कि ये लोकेशन परफेक्ट है, फुटफॉल अच्छा है, बहुत सारे लोग यहां पर ऑलरेडी कार्ड लगाते हैं, कॉम्पिटिशन जरूर है, बट शाम को लोग आंख बंद करके बस अपनी स्कूटी को वहीं रोकते हैं जाके कि यार वहां पर जो है वहीं पर देखेंगे चल के, और क्या खाना है वहीं पर डिसाइड कर लेंगे। तो कस्टमर डायरेक्टली वहां पर आ रहे हैं, ऑलरेडी कस्टमर है, मेरे को करना क्या है, अपने फूड की क्वालिटी अच्छी देते हुए उन कस्टमर को अपने पास खींचना है, बस यही तो काम करना है मेरे को कि वो बाकी के कार्ड पर ना जाकर मेरे पास आए, उसके लिए मेरे को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे दम रखना पड़ेगा। तो मैंने उस लोकेशन को चूज करा जहां पर मेरे को फुटफॉल अच्छा मिले। 2,000 रुपए मैं एक दिन के अंदर निकाल सकता हूं, तो वो मेरे लिए 2,000 रुपए रेंट अगर ज्यादा है तो वो बड़ी बात नहीं है। तो आप यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप अगर एक कार्ड खोल रहे हो तो वो अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, चाहे उसका रेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ जाए। क्लियर हो गया आपको? मैंने तीनों जगह बता दी आपको किस किस तरीके से कहां कहां पर जाकर अपनी लोकेशन को फाइनल करना है। आप नगर निगम में जाइए, चाहे किसी के प्लॉट को ढूंढिए, और या फिर आप किसी की शॉप के बाहर लगाइए। एक और चीज मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर किसी का प्लॉट आपको दिख रहा है खाली पड़ा है, गंद कूड़ा वहां पर लोगों ने फेंका हुआ है, तो कोशिश करो कि आप उसका मार्केट से नंबर निकाल लो और उस ऑनर के पास जाकर आप उनसे ये बात कर सकते हो कि भैया आपका जो प्लॉट है वो ऐसे ही पड़ा है, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं उसका केयरटेकर बन जाऊंगा, मेरा एक कार्ड वहां पर लगेगा, आप मेरे कार्ड का रेंट माफ कर दो, मैं वहां पर 10-12 कार्ड और लगवा दूंगा आपके, सबका रेंट मैं आपको इकट्ठा करके हर महीने के एंड में दे दूंगा। ये भी एक तरीका होता है। इनफैक्ट मेरा एक जानने वाला है जो ये काम भी करता है, उसने मार्केट में ऐसा एक प्लॉट ढूंढा जो खाली पड़ा था, उसके ऑनर आउट ऑफ कंट्री रहते थे लेकिन जब वो इंडिया आए उसने नंबर वंबर सब निकाल लिया, उनसे कॉन्टैक्ट करा, बात करके उनका केयरटेकर बन गया उस प्लॉट का, और वहां पर 12 से 13 उसने जो कार्ट है वो लगवाकर उनसे रेंट लेता है, अपने कार्ट का रेंट भी नहीं देता और उनमें भी वो कमीशन लेता है। तो इस तरीके से भी देखो, जब आप मार्केट में उतरोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि किस किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। बट पैसा बनाने के लिए, अपने दिमाग को खोलने के लिए, आपको पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा। घर पे बैठ के वीडियोस को देख के आपको एक मोटिवेशन आ सकता है, एंड कोई भी मोटिवेशन आपके लिए लॉन्ग टाइम तक आपके साथ नहीं रहता है, वो कुछ टाइम बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो वो जब मोटिवेशन के फेज में आप होते हो ना, उसी टाइम आपको डिसीजन ले लेना है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपने फाइनल डिसीजन बना लिया है कि आपको कार्ड खोलना है, चुपचाप मार्केट चले जाओ और कार्ड फाइनल करो, कहां पर बनता है, कितने का पड़ रहा है, स्टेनलेस स्टील का कितने का आ रहा है, कितने एमएम का स्टील आपको यूज करना है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि कार्ड जब आप बनाने जाते हैं, बनवाते हैं किसी भी कंपनी से, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर स्टील पतला लगा दे तो कार्ड आपका टेढ़ा मेढ़ा मुड़ने लग जाएगा भाई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपली आप एक डिसीजन लो, अगर कार्ड खोलना है तो उसके लिए काम करना शुरू कर दो। आप बर्तन खरीद लाओ, आप कार्ड खरीद लो, अगर आपने कार्ड खरीद के अपने घर के आंगन में खड़ा कर दिया ना, तो वो कार्ड आपको रोज चिल्लाएगा, रात को आपको सोने नहीं देगा वो कार्ड, वो बोलने लग जाएगा कार्ड आपके सपने में आके कि भाई मुझे खरीद के लाए, कुछ तो करो, पैसा तो बनाओ इस मुझसे। तो और आपका पैसा लग भी जाएगा थोड़ा सा, तो आपके अंदर फिर मोटिवेशन छोड़ो, आपके अंदर वो करने की इच्छा अपने आप जाग जाएगी कि यार वो मैंने अपना कार्ड खरीद लिया, यार वो 40,000 का कार्ड आ गया, यार 35,000 का कार्ड आ गया, अब तो करना ही है। तो अगर आपका मन डगमगाता है, डामाडोल होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार मन बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो फिर एक मन बनाने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दो। जैसे आप थोड़ा सा काम कर लोगे तो फिर आपको उसी रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है, जिंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्या सोचना। अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि कार्ड खोलना है तो बस खोलना है, नुकसान हो प्रॉफिट हो कोई मैटर नहीं करता, अगर नुकसान होगा तो आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तो
और फायदा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रॉफिट हो चाहे एक्सपीरियंस मिले, दोनों ही आपके लिए वैल्यूएबल हैं। और एक एज होती है, अगर आप सही एज में रिस्क ले लोगे तो हो सकता है आगे जाके आप बहुत अच्छा नाम कमा लो, बहुत अच्छा पैसा भी कमा लो। तो मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बजट कम है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग बिजनेस करिए और कोशिश करिए। अगर आप कार्ट ही खोलना चाहते हैं तो मार्केट में जाइए, पहले कुछ कार्ट वालों से मिलिए, उनसे बात करो, अच्छे से देखो क्या चल रहा है मार्केट में, कौन कौन से कार्ट लगे हुए हैं। अगर आपने सोचा ही नहीं है कि आपको क्या बेचना है, तो अपने मार्केट में पहले निकल के देखो कि क्या क्या ऑलरेडी बिक रहा है, किसका कितना कॉम्पिटिशन है। मतलब एक साउथ इंडियन वाला कार्ट वाला है और उसके ही सामने एक और लगाता है, दोनों की क्या सेल होती है। थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करो यार, आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा, और फैमिलियर आप तभी होगे जब उनके पास दो तीन बार आप जाओगे। थोड़ा सा खर्चा होगा यार, उनके कार्ट पे खड़े हो, आराम आराम से फूड को खाओ और उनसे धीरे धीरे बात करो कि भैया आप यहीं के लोकल के हो, कब से भैया कार्ट लगा रहे हो यार, आपका ये फूड जो है ना बहुत टेस्टी लगता है यार, मैं इतनी दूर से हमेशा आपके पास ही आता हूँ। और ऐसे ऐसे करके बात को करना शुरू करो, धीरे 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 उनसे पूछो कि भैया यहाँ पे आप किराया देते हो, कितना किराया देते हो, भैया ये आपने ये ठेला कितने का बनवाया था, कहाँ से बनवाया था भैया। एक से कुछ बात पूछ लो, दूसरे से कुछ बात पूछ लो, भैया नगर निगम की पर्ची आपने कैसे कटवाई थी, कहाँ है भैया नगर निगम का ऑफिस। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपकी सिटी का आप कहाँ से हैं ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट आपको जरूर मिल जाएगा। एक किसी बिल्कुल बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आप शिद्दत के साथ भगवान को ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो नगर निगम का ऑफिस ही है तो हर चीज़ मिल जाती है यार। आपको बस थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आपको कार्ट ही लगाना है तो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहेंगे कि आपसे लड़ें, आपको आपके खिलाफ कंप्लेंट करें आपके अगेंस्ट में, और आपको फंसा दें किसी काम में, या आपको मार्केट से आउट करवा दें, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है कि मेरे को कुछ दिन तक यहाँ पर काम करना है और उसके बाद मेरे को अपना रेस्टोरेंट कैफे, या मुझे कुछ बड़ा करना है, या मुझे एक स्टॉल से दो करने हैं। एक मतलब आगे का स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आज मैंने कार्ट खोल लिया तो मैं कार्ट में ही बिजनेस करता रहूंगा। नहीं, आपका फाइनल डिसीजन कार्ट नहीं होना चाहिए, आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए कुछ बड़ा करना है। अगर आपने आप कुछ कैफे नहीं खोलना चाहते, रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहते, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, सो आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे को ये रेस्टोरेंट ये कार्ट के बाद एक और कार्ट लगाना है, दूसरी लोकेशन पहले ही ढूंढ लो मार्केट में कि यार एक कार्ट के बाद मेरा दूसरा कार्ट वहां पर लगना चाहिए और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, विद इन 6 मंथ मुझे दूसरा कार्ड लगाना है। ये आपका सेकंड पहले से होना चाहिए थॉट। और आपके पास जब एक एम होगा ना कि मेरे को आगे ये करना है, आपको दिख रहा है ना, तो फिर आप किसी से वैसे भी बहस नहीं करोगे, किसी से आप गुस्सा नहीं करोगे, एरोगेंट आप थोड़ा सा कम ही रखोगे, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है और आप उस राह पे चल रहे हो। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं सुनना है, इग्नोर करना है। मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मेरे सामने एक लेडी थी जिन्होंने जब हम मतलब कार्ड पहले दिन लगा तो वो स्पेशली मिलने आई, आकर हमसे बोला कि बहुत अच्छा हुआ आप लोग आए, अब यहाँ पर थोड़ा सा फुटफॉल और बढ़ेगा, क्या आप सेल करने वाले हैं, जबकि कंप्लीटली प्रोडक्ट डिफरेंट था, है ना। बट स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हमको, बहुत अच्छे से हमारी तारीफ भी करी कि आप यंग हो और आप इतनी कम उम्र में आपने ये स्टेप लिया, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन जब हम आगे जाने लगे ना, जब हमारी सेल होने लगी, तो उनका जबकि प्रोडक्ट डिफरेंट है लेकिन उनको ये जलन होने लगी कि मेरे यहाँ पर कोई नहीं आ रहा और सब लोग उनके वहाँ पर जा रहे हैं। आप क्वालिटी दो यार, किसी से जलने से चिढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो एट लास्ट ये हुआ कि उन्होंने हमारे लिए कंप्लेंट भी करी, हमको बद्दुआएं भी दी कि तुम ऐसा हो जाए, तुम मर जाओ, तुम जवान हो, तुम कहीं और जाकर भी कमा सकते हो, मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको डिफेम करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, बट आपको किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं झगड़ना है, झगड़ना भी नहीं और डरना भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आप चुप रहिए, शांत रहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोकेशन चेंज कर लो। और कार्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है यार कि आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को। बट अगर आपने कैफे खोल लिया है, रेस्टोरेंट खोल लिया, तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। मैं पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैफे के अपने कुछ फायदे अपने कुछ नुकसान है, कार्ट के अपने कुछ फायदे अपने कुछ नुकसान है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और वो भी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था जिसमें मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है कि आपको क्या करना चाहिए, कार्ट खोलना चाहिए, कैफे खोलना चाहिए। उस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको डेफिनेटली आइडिया मिल गया होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपको डरना नहीं है कार्ट खोलना है तो यार। फिर भी दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत डर लगता है कि यार मैं कार्ट में पहले दिन कैसे जाऊंगा, मुझे शर्म आएगी और लोग देखेंगे मुझे, कैसे ऑर्डर करेंगे, मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे सर्व करूंगा, इस डर का एक ही सॉल्यूशन है भाई, एक दिन जाके रोड पे खड़े होना, काम करना। क्योंकि सबको पता है डर के आगे जीत है भाई। आप घर पे बैठे रहोगे, 10 वीडियो देखते रहोगे, ये इस डर से ओवरकम तो आप हो नहीं पाओगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 100 मोटिवेशन वीडियोस देख लेना, इस डर से आप नहीं जीत पाओगे। आपको 5 मिनट के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको कार्ड लगाना होगा उस दिन आप डरोगे।
तो जब वो डर 10 दिन बाद भी आना है, 20 दिन बाद भी आना है, तो क्यों ना वो डर आज ही हम फेस कर लें और उसको खत्म कर दें। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका डिसीजन फाइनल है तो डरना नहीं, आपको कार्ड लगाना है, और वो डर आपका कार्ड लगाने के बाद आपका डर, आपकी शर्म तभी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।